योगी के शहर उत्तर प्रदेश में नहीं होगी अलविदा जुमे की नमाज, सुनते ही मुसलमानों में मची हड़कंप। दोस्तों, अतीक अहमद की हत्याकांड के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। वो हत्याकांड होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है और इस दौरान अलविदा जुमा आज है और कल हो सकता है ईद की नमाज होगी, तो इस दौरान काफ़ी सारे मुसलमान भाइयों के अंदर ये बात चल रही होगी कि धारा 144 लागू है, इस दौरान ईद की नमाज कैसे अदा की जाएगी, अलविदा जुमे की नमाज कैसे अदा की जाएगी, वहाँ की पुलिस प्रशासन का क्या है कहना, वहाँ के आवाम का क्या है कहना, और योगी आदित्यनाथ का भी कुछ बयान आया है, बजरंग दल को लेकर के भी कुछ बयान जारी किया गया है, कुछ नोटिस भी जारी किए हैं, वो क्या जारी किए हैं, इस पर हम पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद अब देश में क्या है माहौल और वहाँ के लोगों का, वहाँ की जो आवाम है, पुलिस प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, उनका क्या है बयान। सबसे पहले बात मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि वहाँ पर अलविदा जुमे की नमाज कहाँ कहाँ पर नहीं होगी। दोस्तों, जो सड़क के बीचों बीच या कोई ऐसी जगहों पर नमाज अदा करते हैं जो जगह चिन्हित नहीं है, जो जगह पर सख्त मना किया गया है, अगर सड़क पर या कहीं ऐसी जगह पर नमाज अदा करेंगे जो सख्ती पर पाबंदी है, तो वहाँ पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। ये हो गई चाहे वो अलविदा जुमे की नमाज हो या ईद की नमाज हो। अब वहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि धारा 144 तो लागू है, लेकिन धारा 144 के साथ साथ में ये छूट दी गई है कि आप मस्जिदों में जा करके, ईदगाहों में जा करके नमाज को अदा कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। आप कोई हिंसा का कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना करें, शांतिपूर्वक तरीके से जाएं, नमाज अदा करें, आएं और लोगों के दरमियान में आप अपना खुशियां बांटो। अब कानपुर से भी कुछ अपडेटें सामने आई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, सड़क पर जितने भी लोग नमाज अदा करेंगे, बजरंग दल लोगों का ये कहना है कि जहाँ पर हम देखेंगे कि सड़क के बीचों बीच नमाज अदा हो रही है, वहाँ पर हम लोग जा करके और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, यानी कि हनुमान चालीसा करेंगे। कमिश्नर को पूरी तरीके से ज्ञापन को दे दिया गया है और ये बोल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कानपुर में बजरंग दल की ओर से ये बात कही जा रही है कि ईद की नमाज हो या अलविदा जुमे की नमाज हो, कहीं पर अगर सड़क पर नमाज अदा करेंगे तो हम वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। तो पूरी तरीके से मैं आपको बता दिया हूं कि कैसे वहां पर नमाज अदा की जाएगी। बहुत ऐसी जगहों पर सख्त तरीके से धारा 144 लागू है, कहीं पर भी कुछ भी है, लेकिन आप सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, ये छूट है। मस्जिद में जाकर के, ईदगाह में जाकर के आप नमाज को अदा कर सकते हैं। कानपुर से जो अपडेट आई है बजरंग दल को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या है राय, वो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।